कोनो नौकरी दिया दिल जाओ मन कर नॉन रोटी व्यवस्था करा दिल जाए हमारे नॉन रोटी के जरूरत दे वाला ये आप आपके का नाम हो माता जी अच्छा जो एक्सपायर भइले हैं आपका के रहल है परिवार अच्छा परिवार में के और बा परिवार में हमरे तो सासु बा हां ससुर नाई है अच्छा बुजुर्ग सास हैं उनको भी दर्द दवा की जरूरत है और बच्चों में कौन कौन है तो लड़की एक तो अपने घर आ जाती तू भी आ के दो तू भी है कि एक तो लड़का है अच्छा लड़की अभी कुछ करत धरत पे पढ़त भर बाटा कुछ नहीं अच्छा अच्छा पैसा कौड़ी के कोनो स्रोत घर में और कुछ नहीं ऐसा है हमरे अब गवर्नमेंट से आप का चाहल जाते हैं गवर्नमेंट से यह चाहत बाटी कि हमारे लड़का को नौकरी दे दे हम उनके पेट पर्दा देखा अच्छा अच्छा घर में और क्यों कमाए वाला ना आए अच्छा लड़की के जोन पर शादी के लिए कुछ धन अपने पास उपलब्ध है कुछ पहले से कुछ नहीं बस साहब एक बीघा की है तो बहुत कुछ नहीं है अच्छा तो आप चाह रही हैं कि जो है आपके बच्चे को नौकरी दिया जाए जो बालिग हो चुका है ये बात आपकी शासन प्रशासन तक भेजी जाएगी बाबू हम ये सुने हैं कि यह प्लान से मर्डर किया गया है जैसा कुछ लोगों ने कहा है आपके बहन का भी बयान है इसमें आपको क्या कहना है यानी वो पांडे जी चाह करके पहले से इरादा बना करके हत्या करवाए वो आपके पिताजी ऊपर चढ़े हुए थे काम पूरा नहीं हुआ था तभी इन्होंने जो है उसको फोन कर दिया विभाग को दो वायर कटा था एक वायर कटा नहीं था अच्छा 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 और ये जानते थे पांडे जी कि काम पूरा नहीं हुआ है पांडे जी नीचे उपस्थित थे यानी पांडे जी सब आई विटनेस हैं देख करके इन्होंने इस तरह से प्री प्लानिंग मर्डर किया पांडे जी और दो प्राइवेट कर्मचारी जो यहां के नहीं है बनारस के रहने अच्छा अच्छा वो बनारस के रहने वाले कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं जी दो कर्मचारी थे वहां अच्छा अच्छा ये चाह करके ये पूरी प्लानिंग बना करके मर्डर करवाया गया अच्छा अब आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं सर नहीं नहीं जैसे देखो बेटा जो एक्सपायर हो गए वो तो दोबारा आ नहीं सकते लेकिन अगर कोई मदद की आपको मदद की अपेक्षा हो गवर्नमेंट से तो आप बताओ क्योंकि जो है ये बातें जो है शासन प्रशासन को भेजे जाएंगे आपका आपकी मांग क्या है क्या चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट से लड़का बिल्कुल चुप है सदमे में है अब इनके गार्जियन से बात इस विषय पर होगी इस विषय पर ये जवाब नहीं देना चाह रहे अच्छा परिवार में बाबू और कौन कौन है मैं और मेरी तीन चार बहन अच्छा चार बहनें भी हैं बहनें बालिग हैं जी सर अच्छा इसमें से कितने लोगों की शादी हो गई है एक बहन की शादी हो गई है और एक बहन की भी होने वाली है अच्छा शादी पड़ी है नहीं सर अच्छा शादी करने की कोशिश थी अगर वो रहते तो करवाते शादी इस पर अच्छा लड़कियां बालिग हो गई हैं शादी योग्य हो गई हैं कमाने वाला कोई नहीं है आप भी नाबालिग आप ही पढ़ाई करते हैं अच्छा दसवीं की 18 वर्ष 17 से 18 वर्ष अभी अल्पवयस्क जो है लड़का है अभी इसका अभी बालिग नहीं हुए हैं इनको अपेक्षा है कि लड़कियों की परवरिश और घर के परिवार का जो है भरण पोषण नहीं हो पाएगा पिता के अभाव में जन्म तिथि कितना है बेटा 10/11/2000 अच्छा 10/11/2000 कागज के हिसाब से तो आप 18 वर्ष पूरे कर चुके हो अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपको नौकरी दे सकती है इस विषय में आपका क्या कहना है क्या कहना है सर यार लड़का सदमे में इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि जो क्षति हो गई है वो परिवार की पूर्ति नहीं की जा सकती है किसी दूसरे विषय में दूसरे परिवार से इस विषय में जो है टिप्पणी ली जाएगी लेकिन लड़का तो फिलहाल इस विषय में कहने से एकदम जो है नकार रहा अच्छा तो माता जी जो एक्सपायर हुए हैं वो आपके कौन थे अच्छा आपके जेठ तो परिवार के क्या स्थिति है यह समय नहीं नहीं काम पैसा कौड़ी कमाए में परिवार के का स्थिति में परिवार चल सकाला मन के अभाव में क्यों नहीं है अच्छा घर में क्यों ना आए कमाए धमाए वाला क्यों ना आए परिवार अब जो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाए अच्छा तो आप लोग गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हमारे लड़का के कोनो डारी लग जाए नौकरी लड़की के दो शादी ना आए ठीक है माता जी ये बात आपकी शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी तो बोले जी बताइए आपका क्या नाम है आप कहाँ की रहने वाली माया हम कटक रह वाली हूँ कमलेश का लड़की हुई अच्छा घर से बुला कर सवेरे ले आई गया 7 बजे कौन लेकर गया था प्रकाश पाड़े ले गया पलिया का लिया के लेकर गांव वहां चढ़ा दी नहीं नीचे से फोन करे नहीं
वही वहाँ से ना उतरा है तैसे वह फोन करी नहीं तो काम हो गया वह कहा था अभी हम काम नहीं किए हैं न फोन करो वो दारू पी कर फोन की नहीं वही आज साल भर से उनके पीछे पड़ा है वही सरकारी हो के निस्पत में अपने बाल बच्चन को मुँह का हार छोड़ के दे दिए रही वही पीछे घूमत रही कि हमारे रुपया लिया है तो हम कौनो डायरी लगाई है तो हमारे लड़के बच्चे जी हैं तो वही के वन निकारी दुश्मनी की अनियस हो जाई है तो इन्हें से आगे यही नाते उनका जान जान केवल ये बताइए एसडीओ का कहना एसडीओ का कहना है कि 2 लाख का चेक दिया गया है पैसा पाई हाँ चेक दिए 2 लाख में कौनो बच्चन का ना जी है न कौनो बच्चे उसे मरी हैं परिवार चला गए 2 लाख में हमारे का हुई हम अपने भाई का सुविधा चाहिए था अपने लड़कन अपने बच्चन का हम जिया का आहार चाहिए था हम परिवार ना अब दे पैया हम हो जाने था लेकिन हम चाहे कि हमारे लड़कन का जिए सहारा दे हमार बात चला गया तो हमारे सहारा क्यों नहीं रही हम जैसे बहन जी हमारे लोग ये सुन ली है कि साजिश से यान बुलाए के ले आए कि प्लानिंग से हत्या करवाले हैं ये हमें कहाँ तक सही है यहाँ तक सही है कि सुबेरे बलाक लेके गा सुबेरे बलाक लेके गा हम उन्हें चढ़ा दिए नहीं अच्छा नीचे अपने खड़ा हैं काम नहीं कई वहाँ तैसे वो फोन करके कहा था कि काम हो गया अच्छा काम आधा अधूरा रहा यही में फोन वन कही हाँ, वही में वो काम करते रही वही में फोन कही दी एक माने साजिश से इरादा बनाए के ऐसा बुलाए के ले आई के बुलाए के सुबेरे लेके गहा है साजिश करके कि और केहू नहीं है अच्छा हमारे ही दुई मन ही हन हाँ। तो इनका आज अच्छा 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 और सारे पंच आप लोग उपस्थित हैं क्या यह बात इनकी सही है जो ये कह रही हैं अच्छा सारे लोगों ने यह ग्रांट किया कि पांडे जी के द्वारा तथा कथित पांडे जी के द्वारा यह इरादा बना करके इनकी हत्या करवाई गई अच्छा हम ये कह रहे हैं भैया आप लोगों से कि निवेदन हमारा यह है कि ये लड़की जो है उनकी कमलेश बाबू की स्वर्गीय कमलेश बाबू की वो तो कह रही है कि इरादा बना करके पांडे जी के द्वारा उनको बुला के हत्या करवाया गया इसमें कहां तक सही है भैया आप लोग गांव वाले हैं आप लोग बताइए अच्छा धमकी पहले ये दिए थे धमकी में क्या दिए बाबू खाली 200 इनको देते थे अच्छा ये कमीशन इनके काम में कमीशन खोरी करवाते हैं दारू पीने के लिए पैसा मांग रहे थे 2 दिन पहले अच्छा 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 ये कुछ पैसा दे नहीं पाए बीच में जो वो मांगना चाह रहे थे अनर्गल पैसा इसी वजह से प्लान बना करके इनका हत्या करवाए बोलिए क्या मजदूर मनई रहे पढ़े लिखे होशियार नहीं रहे उनके मजदूरी में से हुए आधा कमीशन लेते रहे जो 100 रुपए काम करत रहे तो 50 पावत रहे 50 अच्छा इसी पैसे को लेकर के कुछ विवाद हुई इनमें हाँ पिछला कुछ पैसा इन्होंने जो मांगे दे नहीं पाए इसी बीच में तो वही हम पे कहें कि तुहार इंजाम बहुत बुरा हुई तो बुरा कही दी तो सबका कहना है कि ये प्री प्लानिंग मर्डर है हाँ? हाँ बताइए आपका क्या नाम है आप कहाँ के रहने वाले संदीप यादव कटे ये बताइए कल आपके पिता की दुर्घटना से मृत्यु हो गई बिजली विभाग से इस बारे में आपका क्या कहना है सर उनका प्लानिंग से मर्डर किया गया है और ये पलिया का पांडे जो है यही लेके गए सुबह नाम बताओ बेटा पलिया पांडे क्या नाम था ओम प्रकाश पांडे पलिया जी सर पलिया वही सुबह लेके गए वो वहाँ काम करवाए उसके बाद वहीं सर हमको हमारे पास हम यहाँ थे नहीं सनई चले गए थे फिर हमारे पास फोन गया अच्छा ये आदरणीय पांडे जी का जिनका नाम आ रहा है इनसे पहले से विवाद आपके पिताजी से कुछ चल रहा था सर ये दारू पीने के लिए पैसा मांग रहे थे हमारे पिताजी पैसा दिए नहीं 2 दिन पहले मांग रहे थे अच्छा अच्छा तो ये पांडे जी आपके वहाँ आते जाते रहते थे जी सर
आते जाते रहते थे हमारे। तो किस सिलसिले में ये जो है घूसखोरी करते थे क्या इस काम में आपके? जैसे कि हमारे पिता से बड़ा पोस्ट पे थे, तभी पोस्टिंग हुआ नहीं था इनका। अच्छा अच्छा। तो ये उनके जैसे पहले सीताराम जी ही थे, उनके साथ हमारे पिताजी काम करते थे। अच्छा अच्छा। अभी उनके साथ करने लगे। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे पिताजी अपने से सीट डाउन लेते थे। अच्छा अच्छा। तो पांडे काम कमलेश बाबू करते थे और पैसा ये खाते थे।